अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ये मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस की बुक मिली है, हमें दराज से ऑर्डर की थी तो आज हमें मिली है, इसका हम रिव्यू देने जा रहे हैं। ये किताब है, इसको हम चेक करते हैं कि इसमें प्रिंट वगैरह किस तरह है, पेजेस वगैरह की कमी तो नहीं है और भी कोई किस चीज़ की कमी तो नहीं है, और सब कुछ का रिव्यूज़ हम चेक करेंगे कि कैसी मिली हम, आई बढ़ती है या नहीं। फाइनली आई हैव चेक दिस बुक एंड इट इज़ वर्थ टू बाय, बिकॉज इसमें जो प्रिंट वगैरह है वो सब कुछ सही है, पेजेस भी कोई कम नहीं है, और जिसके बारे में बताया था सब कुछ पूरा है। और आप ये इसमें इसको जाके ले सकते हैं दराज से। और इस बुक के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में वाइडली यूज़ होने वाला बुक है, एक टॉप जाना जाता है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से। अगर आप इस बुक को फिनिश करते हैं, चाहे तकरीबन 2 मंथ्स में कवर हो जाएगा, आप डेली पढ़ा करें इसको, और जो है अपने पाइथन में जुपिटर नोटबुक में इसको इम्प्लीमेंट किया करें, तो आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको किसी से मेंटोरशिप की ज़रूरत है, किसी मेंटर से पूछने की आपको ज़रूरत होगी। और बस इसका मतलब है कि आपको डेटा साइंस के सॉरी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के बारे में मुकम्मल जानकारी होगी, और आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ प्रोजेक्ट से गुजरे होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में पता होगा। तो यस, इट इज़ वर्थ टू बाय। आज ही मुझे मिला है और आज ही मैंने इसको खोला है, और मैंने बहुत से सीनियर से पूछा है और उन्होंने स्टडी किया है कि ये सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये एक ही बुक पढ़ी है अपनी लाइफ में, और वो अभी जो है वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, तो किसी कोर्स लेने के लिए कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बस सिर्फ यही बुक ही चाहिए। और ये आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में जानते हैं। अगर आपको किसी भी डेटा साइंस के बारे में या किसी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के बारे में, किस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।